आधा मुंह में चला, पैसा ले और चलता बन। क्या तू पैसा देगा? चल दे। वो कितना देना है मुझे तुझे? 6,000 ना? 6,000 दे दूं तो खुश हो जाएगा? या उसमें सूद भी चाहिए? बोल, तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से पटीचर? ज्यादा मत पूछ, अभी सूद चाहिए कि नहीं बोल। और मुझे क्या अभी ये सब निपटाना है, अभी जल्दी खत्म करना मुझे। भागते चोर की लंगोटी ही सही, तू सूद वूद छोड़, मुद्दल निकाल। ठीक है ठीक है ठीक है, 6,000 काट ले, बाकी मुझे दे दे, ला। तो कहां से काटेगा, पेड़ से? इस सर फिरा पागल हो गया? हाँ, अचानक 1-8 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो कभी कभार आदमी पागल आ जाता है। नहीं का लॉटरी है? अच्छा, एंथनी लाश नदी में खून, और बोलू हाथी पे बैठता हूँ मगर नजर सब पे रहती है। अब सिर्फ इतना बताओ कि मेरा हिस्सा कितना होगा? क्या 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 भौंक रहा है? हिंदी हिंदी समझ में नहीं आती है? इका कौन बताया? साला हरामी मरने से पहले इसे भी बता के गया क्या? अरे किसने बताया, क्यों बताया, इस लफड़े में मत पड़ो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। ले ले तोरा हिस्सा, ले इधर इधर आ कमीने। अरे तू आदमी है का, बीच सड़क पे ढोल बजा के पैसा बांटेगा का? ए चलो एंथनी के घर चलते हैं, वहां सब निपटा ही देते। मुझे फूटी कौड़ी मिले ना मिले, इस घंटी चोर के हाथ एक ढेला नहीं आने दूंगा। निकाल मेरे 6,000 रुपए, निकाल निकाल मेरे 6,000 रुपए। अरे उसमें से काट लेना, दूध पीते हुए शर्म नहीं आती? हाथी रखता है। चल मंगल तू भी बैठ जा। अरे मंगल मेरे हाथी का नाम है, मेरा नहीं। तेरा कोई भी नाम हो, बैठ। हां बैठता हूं। घर गए सर का मिलता है आराम को। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। क्या हुआ? अरे अंदर जमघट लगा है, मर गए, बर्बाद हो गए, खबर फैल गई, अंदर चिल्लम चिल्ली हो रही है। डरपोक, बहादुर बनता है बलवंत। अरे चल के देखते हैं इसमें थोड़ा है क्या। ना ना, एक काम करते, तू जाके देख, हम दूर से देखते हैं, लगा कि खतरा है तो उल्टे पांव आ जाए। अरे मैंने कितनी बार कहा आप लोगों से, वो नहीं मिल सकते। और हमने कितनी बार पूछा क्यों? क्यों वो, मैं, वो सो रहे। तो कभी जागेंगे नहीं? का नहीं का मतलब बहुत दारू पी ली थी ना कल रात को, इसलिए थोड़ा देर से उठेंगे। अरे नहीं नहीं, दाल में काला है भैया, पूरी दाल ही काली है। अरे अंदर कहा जा रहे हो? बाहर निकलो। अरे कहा घुसे जा रहे हो? क्या हुआ भाइयों बहनों, माजरा कहा है? कल रात अंथनी भाई मेरी दुकान पर फोन किए थे, वो बोले तेरा 900 रुपया 25 पैसा ले ले, मुझे 1 करोड़ की लाठी लगी है। ये सिया चंदू, ये भरत, ये रखमा, इन सबको ले आने के लिए कहा था। पूरे गांव में बैंड बजाई है। अरे वो पियकड़, उसने कहा लॉटरी निकली है, आप लोग मान गए। अरे नशे में धुत होगा। हाँ, कल वो कहेगा उसने मेरा हाथी खरीदा तो। चौके ऊंचे सुर में मत गा, भजन बिगड़ जाएगा, सुर में रहे। अरे तो फिर एंथनी भाई ने हमें यहाँ बुलाया का है? और मेरी ने इतने सालों के बाद आज अचानक किस घर में कदम रखा है? कल तक तो भाई बहन एक दूसरे का खून चूसते थे, पैसे के सिवा दिल पिघलता नहीं किसी का, लॉटरी की बात सच है। कुछ भी हो, अंथोनी भाई से मिले बगैर हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। ठीक है तो खोद लो अपनी कमर यहाँ पे और बैठे रहो। देखो मेरी क्या है? अरे आपको नहीं पुकारा, मेरी बात सुनो, कह रहा हूँ। देखिए आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, हम अंदर जाकर देखते हैं कि मामला क्या है। आओ लीला। ठीक है मेरी। अरे मेरी अभी आपको बुला रहा हूँ। बोलो ना क्या है? 1, 2, 3। अरे बहुत लोग हैं, हाथी के ऊपर बैठ के गिनना पड़ेगा इनको। चुप है। नहीं नहीं नहीं, ये पैसा मैं इन लोगों में नहीं बांटने वाली। तो ठीक है हम लोग चल पड़ते। आप ही ने सबसे झूठ कहा था कि एंथनी सो रहा। अरे एक मिनट रुकना है यार, ठहर जरा, ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर उन भेड़ियों को पता चल गया कि एंथनी भाई मर गया है तो सारी रामलीला बदल जाएगी। देखिए बहन ने पैसों के लालच में भैया का खून किया, बात फैल जाएगी और आप अंदर। और बेटा आना, लावारिस और फन। ठीक है ठीक है ठीक है,
कितने लोग हैं? वो 12, हम 5। 5? लेकिन कल तक तो 4 थे ना। अरे ये डेढ़ से आना भी तो जानता है ना। ये कौन है? मंगल, मेरे हाथी का नाम है मंगल। अरे कोई भी हो लेकिन इसे कैसे पता चल गया? अरे हमें क्या मालूम, अपने पैकर से पूछो। देखो फिकर मत करो, बहुत बड़ी रकम है, काहे फिकर करती हो तुम? अभी बुलाएं सबको। हाँ बुलाएं कि नहीं? बुलाओ बुलाओ। चल हट। आप बैठिए बैठिए। अरे बलवंत भैया नहीं होते तो मेरी सोने की अंगूठी का खाक वापस मिलती? ये खुशी की बात तो उन्हें बतानी ही होगी। वो रही बल्लू भैया की गाड़ी। तो ये बात है, और ये बात अगर हम दबा के रखेंगे, ये राज की बात अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा, और अगर बता दिए तो सर पे छपड़ा भी नहीं रहेगा। हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, ये लॉटरी का इनाम मिलने से पहले ही एंथनी भाई चल बसे हैं, ऐसा किसी से कहना नहीं। हाँ हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि एंथनी भाई तो जिंदा है। हाँ लेकिन कोई पूछे तो ऐसा हाथी पे चढ़कर मत चिल्लाइयो कि एंथनी जिंदा है, एंथनी जिंदा। कोई पूछे तो चौके, समझे? अभी भाषणबाजी बंद करो, गिनो गिनो कितने साझेदार हैं, गिनो। अरे कितनी बार गिनेंगे? ये 12 हैं और हम 5 हैं, और कुल मिला के 17 हो गए। 17 ठीक है। हाँ 17। खतरा आपने कुछ सुना? हमने सब सुना। हाँ तो बाहर क्यों खड़े, अंदर ही आ जाइए। आइए 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 आइए, सबको ले आइए। चल चल बिरजू। अब हरे के हिस्से में कितना आएगा? अरे मालूम नहीं, अब तो आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोल साला, गांव में और कितनों को बता के गया है तू? चलो मरने के बाद भी परेशान कर रहा है। अरे तू जिंदा होता ना तो मैं तुझे गला दबा के मार देता। पागल हो गया है ससुरा? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इस लाश को एक दिन और भी रखा तो इतनी बास आएगी कि हमारा गांव तो क्या पूरे जिले को मालूम पड़ जाएगा, सबके हाथ लगेगी। अच्छा नीचे बन। माफ करना एंथनी भाई, गुस्सा आ गया था उसको। तो अभी के अभी दफना देते हैं? कैसे दफनाएंगे इंस्पेक्टर आदम का? तो चर्च में घंटा बजेगा ना तो सारा गांव शमशान में पहुंच जाएगा। तो हल क्या है? बंद करो अपनी आया। हमारे पास एक तरकीब है। का? ये एंथनी को दफनाना तो पड़ेगा, उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। ये दफनाने का विधि अगर ऐसे चोरी छुपे हो, समझे, तो चर्च जाकर फादर से बात भी करनी पड़ेगी। अरे तो इंस्पेक्टर बात किससे करेगा, मिलेगा किससे? एंथनी की कब्र से? अरे अब तुम फुदकना बंद करो तो हम बोले ना। हाँ बोलो। हाथी कहीं का? अब वो इंस्पेक्टर को क्या पता है कि एंथनी गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है? हा? उससे तो एंथनी को देखा ही नहीं है। हम में से कोई भी बन जाएगा एंथनी। हमें का आइडिया आया है। का? अरे तू काहे नहीं बन जाता एंथनी? ना ना अरे हा? नहीं हम का है, शर्म आती है। अरे शर्म का आती है, चोली थोड़ी पहनी, मर्द का काम है। देख ऐसा बेशर्मी का बात मत कर। अरे रामलीला समझ के बन जा। अरे हम का मूंछ भी नहीं है। वो तो इंस्पेक्टर को कहां पता है कि तुम्हें मूंछवा है या नहीं, बन जा। अरे बहादुर बल्लू फिर डर गया? अरे तो मैं बन जाता हूं उसमें का? नहीं मेरे जीते जी चोखे एंथनी नहीं बनेगा। काहे? अरे मेरे 6,000 उसकी मुट्ठी से नहीं फिसलते, वो क्या 1 करोड़ बांटेगा हम सब में। अरे जा तू बैठ जाओ हाथी पे, बैठ जाओ जाओ। सुन मैं बन जाता हूँ एंथनी। तू बनेगा? मैं बन जाता हूँ। बल्लू भैया की जय, बल्लू भैया की जय। क्या बात है बल्लू, क्या बात है, जीता रे। अब अबू जाके चर्च के फादर से बात करते हैं। हाँ अच्छा नहीं बजाऊंगा घंटा, किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी शांति से दफनाऊंगा कि आजू बाजू वाले मुर्दों को भी भनक नहीं लगेगी। लेकिन एक ही तकलीफ है। का?
फादर नहीं है। होता है, काफी लोगों के फादर नहीं होते हैं। अपनी माँ से पूछ लो ना, उसको भी पता नहीं है। इतनी जोर से मारूंगा कि 40 के 40 दांत बाहर आ जाएंगे। पर दांत तो 32 होते हैं। 8 तेरे तोड़ूंगा। मैं अपने फादर की बात नहीं कर रहा हूँ, चर्च के फादर की बात कर रहा हूँ। उनके बिना विधि कौन करेगा? तो कब आएंगे चर्च के पिताजी? वो बिशप से मिलने गए हैं, 1 हफ्ते के बाद आएंगे। अगर वो यहाँ पर होते फिर भी इस बात को मानते नहीं। हफ्ते के बाद? तो तब तक क्या करें? एक हो सकता है, का पड़ोस वाले गांव जाता हूँ। हाँ। उधर के चर्च के फादर को लेकर आता हूँ। हाँ। इसमें फायदा यह है कि उन्हें क्या पता कि किसे दफना रहे हैं। आना जाना, उन्हें लाना, ये सब खर्चा तुम्हें देना होगा। कब्र खोदने वाले, साफ सफाई वाले और मुझे मिलाकर 7 आदमी होते हैं। सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लो, ये और चिपक लिए। अरे अब चिपक गए, उखड़ गए, छोड़ो ना बल्लू, काम तो होने दो। और जो मिल रहा है वो मुनाफा ही तो है। पता नहीं कब आएगा वो ससुरा लॉटरी इंस्पेक्टर। काहे फिकर करते हो बल्लू, फिकर ना करे, कभी भी आने दो ससुरे को। पूरा नाटक तैयार है। वो जोसेफ को भेजा है ना जौनपुर, वो चर्च के पादरी को लाने, तो एंथनी को भी दफना देगा, फिकर ना करी। तो हर जबान तो ऐसा चलत है जैसे गीली माटी में हल। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अंतनी बनना है, मतलब क्या करना है? क्या करना है? मैं अंतनी बनूं मतलब क्या करूं? क्या मतलब? मतलब अंतनी बनूं मतलब क्या करूं? अंतनी बनना और क्या करना है? भाई साहब, क्या ये रास्ता लाहौली की तरफ जाता है? ये रास्ता लाहौली में ही है, और रास्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। ये एंथनी नाम के आदमी का घर कहाँ है? लॉटरी इंस्पेक्टर है, मुंह घुमाई ले, मुंह घुमाई ले। एंथनी, आपको एंथनी के घर जाना है? हाँ। एंथनी हमारा लंगोटिया यार। अब सुनिए, ये पुल उतरेंगे ना, हाँ, तो नीचे चले जाइए, वहाँ पे पीपल का पेड़ है और वहाँ एंथनी का घर नहीं है। पीपल के पेड़ के दाहिने हाथ पे आप जो मुड़ जाएंगे तो वहाँ पे शिवजी का मंदिर रहेगा। तो वो जो शिवजी का मंदिर है वहाँ भी एंथनी का घर नहीं है। वहाँ से थोड़े चले गए आगे, वहाँ पे एंथनी का घर आएगा। समझे? नहीं समझे? हम दिखाया आपको एंथनी का घर। 1 मिनट में आते हैं। एक का मुसीबत है ससुरा। तुम साइकिल से एंथनी का घर पहुंचो, हम मोटर गाड़ी में आ रहे हैं वहाँ पे। का हमका उल्लू समझ रखा है? का तुम मोटर गाड़ी से जाओगे, हमारा साइकिल का हवाई जहाज उड़ कर जाएंगे। अरे उसको कुएं में कछुआ कैसे घूमता है? धीरे धीरे, गोल गोल, ऐसे पूरे गांव में सैर कराएंगे, समझ गया? तू बजा रहा है। तू 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 जाके एंथनी के घर पे बैठे रहियो, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, तब आइयो। आ रहे हैं, आ रहे हैं। और कपड़ा बराबर धोना। गाँव का धोबी है, बिना साबुन के कपड़े धोतरा। रोकिए, यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। हम रोकिए, हम तनिक हल्के होके आते हैं। हल्के? ठीक है, जरा जल्दी करना। किधर से आ रहा है? अच्छा, कहाँ फंस गया? नहीं चलो। अरे कर लीजिए। नहीं चलो, ये चेन को भी अभी उखड़ना था। अरे भाई साहब, ये एंथनी का घर कहाँ है? भाई साहब, वो कान के नीचे बम फटेगा तो भी नहीं सुनेगा, जन्म से बहरा है बेचारा। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। मुंह में तंबाकू की गोली जितना छोटा गांव है हमारा, काले पीले टूटे फूटे सब दांत एक दूसरे को जानते हैं। हम बताते ना आपको। अब चलिए आगे बढ़ाओ, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ाओ।
बचा तेरा बाप। है अंथनी का घर, आइए। अंथनी है क्या घर में? हाँ है ना साहब। बोलो साहब आए, बुलाओ उसको। अब याद है, आजा। ये रहा आपका अंथनी। ये वो अंथनी नहीं है। अरे यही है, इसके माँ से पूछो। ये अंथनी है ना, यही है। अरे जिस अंथनी की मैं बात कर रहा हूँ वो 60 साल का आदमी है। 60 साल का तो पहले बताइए ना। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा लंगोटे यार है। हाँ, ये देखो ये लंगोट पहना है इसने। ये मेरा छोटा सा दोस्त है। जा जा बचवा जा। तुम एंथनी फर्नांडिस को जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हें उसका घर कहाँ है मालूम है? हाँ मालूम है सर। तुम चलो मेरे साथ। चलिए। अरे क्यों मुर्दे को आवाज दे रहे हो? चुप कर। क्या होना? वो इंस्पेक्टर आया है। अरे बाप रे, लाश कहाँ है? कुर्सी पर। उसको बाजू वाले कमरे में ले जाओ। हाँ, हाँ। और ये भेड़ बकरियां यहाँ पे क्या कर रही है? सुबह से पैसे का इंतजार में। बल्लू कहाँ है? बल्लू, बल्लू अभी आता ही होगा। हम इंस्पेक्टर से ये कहेंगे कि बल्लू अंदर ना आ रहा है, समझ गए? खिड़की बंद कर, दरवाजा खोल। आइए, ये अंथनी की बहन है मैरी। मैरी? आपके नहीं, अंथनी की बहन है मैरी। अंथनी घर में है? हाँ, वो खा रहा है। खा रहा? भोजन का टाइम हुआ ना, खा रहा। आप? मैं जयेश अग्रवाल, मालामाल लॉटरी इंस्पेक्टर। आइए ना, आइए, बैठिए 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 बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? एक ग्लास पानी। ये लोग सब यही रहते हैं? नहीं, हम सब लोग पैसों के लिए आए हैं। ये क्या नया हिस्सेदार है? अरे क्या, ये तो एंथनी भाई के सब नौकर है। अरे नौकरों का मालिक है, तनख्वाह के लिए आके कब पैसे आए और तनख्वाह मिले बेचारे को। ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? जाके सबको बताई दो कोई मुंह ना खोले। ये लॉटरी इंस्पेक्टर है, शकुआ तो फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। भूत तेरा बाप ससुर। काफी देर हो गई है, कब तक आएंगे? आ जाएंगे, पेट फटने से पहले तो आ ही जाएंगे। ये बल्लू दिन में कई बार खाते हैं इसलिए टाइम लगता है। और आप क्या करते हैं? हम अपना ये लॉटरी का धंधा करते हैं। बेचते हैं? खरीदने का। ये कौन सा धंधा हुआ? नसीब का, नसीब। अभी लॉटरी हमारे गांव की तकदीर बदल सकती और का, और ये सभी भी उसी धंधे में लगे हुए हैं, बराबर ना है? इनका हाथी का है, इनका हाथी। जो काम हुआ बाबू, अदरक वाली चाय बना दे। नहीं नहीं, जब जब मैं गांव में आता हूँ शुरू हो जाता है डस्ट एलर्जी, धूल से बीमारी। हाँ, लीजिए। एंथनी अंदर ही है ना? है है। तो हम कहा बाहर खड़े खड़े पानी पी रहे? आइए आइए अंदर बैठ के पानी। आइए आइए आइए, अंदर आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खाना हो गया उनका? और कितनी देर लगेगी? नहीं वो आ रहे। 4 दिन से भूखे हैं क्या? 1 घंटा इन्होंने मुझे घुमाया, 1 घंटे से ये खाना खा रहे हैं। अगर इन्हें और देर लगने वाली है तो क्या मैं अंदर जाके सिग्नेचर ले लूं क्या? नहीं नहीं, जा पूछो उनसे। अरे जा पूछो। पूछो? एक काम कर, तो मैं पूछ के आता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है अंदर। इतनी देर कहाँ लगा दिया? कहाँ? अभी अभी तो भूत बन के यहाँ टपका था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे पीछे का दरवाजा खोलो, वो सामने ही बैठा है, वहां से नहीं आ सकेगा वो। ताला है वहाँ, चाबी कहाँ है पता नहीं। ताला है? तू कैसे आएगा वो भूत अंदर?
कहाँ है एंथनी? एंथनी अभी आएगा ना, बस अभी आए। ये क्या मजाक है? आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी को मैं पड़ोसी के पास छोड़ आया हूँ, पता नहीं वो ठीक से रह पाएगी कि नहीं। छोटी सी है, 6 साल की। मेरा यहाँ से वापस जाना मतलब 8 घंटे का लंबा ड्राइव। वो रो रो के धूम मचा देगी। मेरे घर में कोई नहीं उसे देखने वाला, इसलिए मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। तो कहाँ है वो? कौन? एंथनी। ठंडा है पानी। नमस्कार। तुमने तो कहा था कि ये खाना खा रहे हैं। खा लिया, अब नहा रहे हैं। नहा रहे। ओ, ये कहा है कि हम साबुन नहीं लगाते। बैद जी हमका विभूति दिए हैं, इससे त्वचा कोमल रहती है। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, पहले नहाते हैं फिर खाते हैं। मेरा भाई कभी उल्टा काम करता ही नहीं, बहुत ही सीधा साधा है। श्रीमान का परिचय? मैं लॉटरी इंस्पेक्टर हूँ। अरे आप, आपकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें बूढ़ी हो गई। लाइए आपका लॉटरी टिकट और राशन कार्ड लाइए। जी जी अभी लाते हैं। आप चाय पियेंगे अदरक वाली? ये क्या? पैरों में सूजन रहती है इनको, तो वैद्य जी ने कहा है कि बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के पैर को सेकिए।